प्रशांत किशोर ने आरबीआई डाटा के आधार पर खोली लालू नीतीश की पोल। बिहार का 26,35,000 करोड़ रुपया दूसरे राज्यों में ट्रांसफर क्यों? कहा सबसे बड़ा पलायन है पूंजी का पलायन। सीतामढ़ी में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक साल से ज्यादा समय से पदयात्रा कर रहे हैं। इसी क्रम में जब पत्रकारों ने बिहार में बेरोजगारी और पलायन को लेकर उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बिहार में जो लोग स्वरोजगार करना चाहते हैं, उद्योग व्यापार लगाना चाहते हैं, उनके पास पूंजी ही नहीं है। पूंजी क्यों नहीं है इसको समझिए, क्योंकि बिहार में इसकी बात ना कोई करता है ना बताता है। लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ उद्योग इसलिए नहीं लग रहे क्योंकि खनिज नहीं है। कुछ लोग आजकल कह रहे हैं कि समुद्र नहीं है, और कुछ लोगों का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से उद्योग नहीं लग रहे हैं। तीनों बातों में पूरी सच्चाई नहीं है। बिहार में स्वरोजगार और उद्योग के ना होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह है पूंजी की अनुपलब्धता। बिहार में लोगों के पास पूंजी है ही नहीं। अब यह समझिए कि पूंजी आती कहाँ से है। देश में पूंजी आती है जो आप और हम पैसा कमाते हैं, उसमें से जो बचत होता है उससे पूंजी का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपने 100 रुपया कमाया जिसमें से 60 रुपया खर्च करके 40 रुपया बचाया, वही पैसा पूंजी के तौर पर आपके पास रहेगा। समाज में एक व्यवस्था है कि हर व्यक्ति जो बचत करता है वह अपना पैसा बैंकों में जमा करता है और बैंक उस पैसे को ऋण के तौर पर उनको देता है जो रोजगार करना चाहते हैं या उद्योग धंधा खोलना चाहते हैं। बिहार में जो लोग स्वरोजगार करना चाहते हैं, उद्योग व्यापार लगाना चाहते हैं, उनके पास पूंजी ही नहीं है। और ये पूंजी क्यों नहीं है इसको समझिए, क्योंकि इसको बिहार में आप लोग कोई बात इसकी ना करता है ना बताता है। लोगों को ऐसा लगता है कि उद्योग इसलिए नहीं लग रहा है कि यहाँ पर खनिज नहीं है। कुछ लोग आजकल ये भी कह रहे हैं कि समंदर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से नहीं लग रहा है। ये तीनों बात में पूरी सच्चाई नहीं है। स्वरोजगार और उद्योग के न होने के सबसे पीछे जो कारण, सबसे बड़ा कारण है, वो पूंजी की अनुपलब्धता है। बिहार में लोगों के पास पूंजी है ही नहीं। अब आप इसको ये समझिए कि पूंजी आता कहाँ से है। देश में पूंजी आता है जो आप और हम बचत करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, जो बचत करते हैं, उस बचत से पूंजी का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। 100 रुपया आपने कमाया, 60 रुपया खर्च कर दी, 40 रुपया आपका बचा, वो पैसा ही तो पूंजी के तौर पर आपके पास रहेगा। समाज में एक व्यवस्था है कि हर व्यक्ति जो बचत करता है वो अपना बैंकों में जमा करता है, बैंक उसको ऋण के तौर पर दूसरे को पूंजी, जो उद्योग धंधा करना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, उनको बैंक लोन देता है। मान लीजिए कि आपके पास 1,00,000 रुपए है और आप यूट्यूब का कोई काम करना चाहते हैं, तो आप बैंक में जाते हैं, बैंक आपको 2,00,000-3,00,000 रुपए लोन देता है, 4,00,000 से यूट्यूब चलाएंगे। आप घर बनाना चाहते हैं, आपके पास 10,00,000 रुपए है, 20,00,000 रुपए आप हाउसिंग लोन लेते हैं फिर घर बनाते हैं। गाड़ी खरीदने जाते हैं, आपके पास 20,000 रुपए है, 80,000 रुपए आप लोन लेते हैं। ये जो पूंजी है ये आता है बैंक से। इसको देखने के लिए देश भर में एक पैमाना है जिसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, कि बैंकों में कितना पैसा जमा हुआ और कितना पैसा बैंकों ने ऋण के तौर पर लोगों को अलग अलग काम के लिए दिया। देश में सीडी रेशियो है 70%। मतलब अगर देश पूरे भारत भर में लोगों ने बैंकों में जो पैसा रखा, बैंकों की ये मजबूरी है, उनका बिजनेस मॉडल भी है और कानून है कि उनको इतना पैसा तो देना ही है ऋण के तौर पर। बिहार में सीडी रेशियो है 40%। देश में है 70, बिहार में है 40। 1990 में ये था 38%। लालू जी के 15 साल के कालखंड में जो लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ या लोगों ने उद्योग धंधे लगाने बंद कर दिए, लोग छोड़कर भागने लगे, तो सीडी रेशियो घटता घटता हो गया 23.5%। फिर 2004 से जो थोड़ी थोड़ी स्थिति सुधरी है तो ये बढ़कर 40% हुआ। अब इसका खामियाजा क्या हो रहा है मैं आपको वो बताता हूं। पिछले साल बिहार की जनता ने बैंकों में जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। बिहार की जनता ने सबने मिलकर बैंकों में जमा किया अपने बचत का 4,21,000 करोड़ रुपया। बैंकों ने लोन के तौर पर दिया 1,61,000 करोड़ रुपया, क्योंकि सीडी रेशियो यहां 40% है। अगर राष्ट्रीय औसत 70 के हिसाब से भी बैंकों ने ऋण दिया होता तो बिहार में ऋण मिलता 2,80,000 करोड़ रुपया। तो जो 1,60,000 रुपये ऋण दिया और जो बाकी का दो पैसा 2,00,000 करोड़ से ज्यादा है वो गया कहां? वो 2,00,000 करोड़ रुपया बैंकों ने बिहार से शिफ्ट कर दिया उन राज्यों में जहां पर उद्योग धंधे लग रहे हैं। तो कर्नाटक में, गुजरात में,
महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में सीडी रेशियो अगर आप निकाल कर देखेंगे, ये आरबीआई का डेटा है, वहां पर सीडी रेशियो है 90 से ज्यादा। मतलब अगर बैंक लोगों ने 100 रुपए वहां जमा किया तो बैंक वहां 90-95 रुपया ऋण के तौर पर दे रहे हैं। तो हम लोग यहां से मजदूरों के पलायन की बात करते हैं, हम लोग उन बच्चों के पलायन की बात करते हैं जो पढ़ने के लिए, कोचिंग करने के लिए दिल्ली कोटा जा रहे हैं। सबसे बड़ा पलायन है पूंजी का पलायन। पिछले 32 वर्ष में, ये आंकड़ा याद रखिएगा, कोई दूसरा आपको बताएगा नहीं, 1990 से लेकर जब से लालू जी मुख्यमंत्री बने और पिछले वित्तीय वर्ष तक, रिजर्व बैंक का डाटा बता रहा है कि 26,35,000 करोड़ रुपया बिहार के बैंकों ने यहां से ट्रांसफर कर दिया दूसरे राज्यों में। 26,35,000 करोड़ रुपया इन 32 वर्ष में बिहार सरकार का बजट नहीं है इतना पैसा। तो हम लोग कहते हैं भाई यहां विकास क्यों नहीं हो रहा है, भाई पिछले साल 2,37,000 करोड़ का बिहार सरकार का बजट था, उसमें आप 60-70 हजार रुपया विकास पे खर्च करते हैं, बाकी तो एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा है। उस 60,000 करोड़ रुपए में चाहे आप वृद्धावस्था पेंशन बांट दें, सड़क बांट बनवा दें, अस्पताल बनवा दें, फैक्ट्री लगवा दें, जो कुछ भी कीजिएगा उसी 60,000 में करना है। जरा अंदाजा लगाइए, 60,000 करोड़ के मुकाबले अगर 2,00,000 करोड़ रुपया, हम लोग कह रहे हैं बाहर से आके कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, भाई जो बिहार का पैसा है वो तो बिहार में इन्वेस्ट होना चाहिए। ये वजह है कि यहाँ पर स्वरोजगार की इतनी दिक्कत है।